And if we can start to chant together also, first of all, we have to do one bija mantra, that is Yam. Yam is the mantra of the Anahata chakra, it's Yam. And we will do inhale and exhale and do Yam, Yam, Yam. इनका मतलब होता है जो कि जो यम 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 जो बोल रहे हैं वो हमारे अंदर में भी यम यम अनेक प्रकार की आवाज है। ये अनाहत चक्र में अनाहत नाद अनाहत धूम करुणा यूनिवर्सल लॉ द लॉ दैट कम्स फ्रॉम गॉड
ये आपको सबके अंदर में आंतरिक प्रेम बताते हैं, सबके पास में ये है। और जब आपके ये अनुभव हो जाएगा तो सब आप एक दूसरे को पहचानेंगे कि ये जो बाहर में जो ये क्रिया हो रही है यम यम यम, ये अंदर में आपको अनुभव करने के लिए इशारा किया जा रहा है। ये अभी बाहरी क्रिया, इसको कहते हैं बाहरी, पहले पहले बाहरी क्रिया करना पड़ता है। मन को एकाग्र करने के लिए यम 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 ऐसे आवाज करते करते भीतर में बाद में शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे अंदर में यम 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 अनेक प्रकार की ध्वनि आवाज प्रकट होता है। और तब हम लोग ध्यान के अंदर प्रवेश करेंगे। तो आगे हम लोग को भूख लग गई होगी, तो अभी जो है हम लोग का पहर का समय है, अभी आरती नहीं हो, शाम का दोपहर में फिर से एक दूसरे शिफ्ट में फिर आरती होगी। तो हम लोग अभी तत्काल में विराम लेंगे। जो भजन गाए, जिनको भजन गाने की इच्छा है वो भजन गा सकते हैं, और जो बाद बाकी जितने भी हैं उन लोग हाँ थोड़े थोड़े के लिए, अगर ज्यादा समय जगह नहीं होगा तो कुछ आदमी जाएंगे, कुछ आदमी बचेंगे, जिनको ऐसा करने से कोई नहीं जाए। जिनको जिनको जाना है, भूख लगी है तो आप लोग भोजन के लिए बोले सतगुरु कबीर साहब की जय। जलपान तैयार हो, जगह कम है, थोड़ा आदमी जाएंगे, जलपान जो कर लीजिएगा फिर आके बैठ जाइएगा। हड़बड़ा के आपको नहीं जाना है, आप लोग प्रेम से थोड़ा आदमी जाइए, वहाँ आश्रम में बहुत लोग हैं, तो आप लोग स्थिर से बैठिए, फिर घंटी बजेगी, आप लोग जाएंगे, आनंद लीजिएगा।